दोस्तों, सनी देओल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल का जुहू स्थित बंगला नीलाम हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज के अखबारों में इस बंगले की नीलामी के लिए ई नीलामी अधिसूचना जारी की है। सनी देओल पर आरोप है कि उन्होंने एक बैंक से भारी भरकम कर्ज लिया था, जिसे वह चुका नहीं पाए हैं। सनी देओल ने लोन के लिए मुंबई के जुहू इलाके में अपना सनी विला नाम का विला गिरवी रख दिया है। इसके बदले उन्हें बैंक को करीब 56 करोड़ रुपए का भुगतान करना था, जो अभी तक नहीं चुकाया गया। अखबार में छपे नोटिस के मुताबिक सनी देओल का घर जुहू के गांधी ग्राम रोड पर है, जिसके गारंटर खुद सनी देओल के पिता धर्मेंद्र हैं। कहा जा रहा है कि सनी देओल को बैंक ऑफ बड़ौदा को ब्याज सहित करीब 56 करोड़ रुपए का लोन देना था, लेकिन बैंक लोन वसूलने में सफल नहीं हो पाया है, जिसके बाद बैंक ने न्यूज़पेपर में ई नीलामी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नीलामी 25 सितंबर को होगी और इस नीलामी के लिए बेस प्राइस करीब 51.43 करोड़ रुपए तय कर दिया गया है। सनी देओल की 2016 की फिल्म घायल के सीक्वल घायल वंस अगेन के निर्माण और रिलीज के दौरान सनी देओल आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। हालांकि उस समय इनके मैनेजर ने इन खबरों को पूरी तरह से नकार दिया था। धर्मेंद्र को घायल वंस अगेन के आधिकारिक निर्माता के रूप में नामित किया गया था। वहीं सनी देओल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के अलावा फिल्म का निर्देशन भी किया था। सनी सुपर साउंड एक बंगला सह रिकॉर्डिंग और डबिंग स्टूडियो है, जिसमें दो अलग अलग प्राउस्ट प्रोडक्शन सुइट हैं। इस सनी सुपर साउंड में सनी देओल का ऑफिस रहने की एक बड़ी जगह भी है और इस बंगले को सनी विला के नाम से भी जाना जाता है। बॉलीवुड की सभी फिल्मों की डबिंग और स्क्रीनिंग सालों से सनी सुपर साउंड में ही की जा रही है। सनी देओल ज्यादातर समय यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन धर्मेंद्र और बॉबी देओल द्वारा गारंटर के रूप में प्रचारित पते पर परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन बंगला होने के कारण सनी सुपर साउंड सनी विला में आवास भी है, जहाँ सनी अक्सर रहते हैं और यह जगह है पूरे देओल परिवार के लिए आय का एक अच्छा स्रोत भी है। बता दें कि सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म गदर 2 को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है और 9 दिनों में 336 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की जबरदस्त सफलता के बीच बंगले की नीलामी की खबर सनी देओल के लिए झटका साबित हो सकती है।